आंखों देखी। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, आप देख रहे आंखों देखी। डीएसपी मुख्यालय केदार राम और उनके गुर्गों की गुंडागर्दी की हद हो गई पार। क्राइम खबर को बाइट लेने पहुंचे ईटीवी भारत के पत्रकार मोहम्मद अरबाज के साथ डीएसपी केदार राम द्वारा जमकर मारपीट की गई। यह मामला समरहाला स्थित डीएसपी मुख्यालय के चैम्बर में किया गया। भुक्तभोगी अरबाज ने कहा है कि समरहाला में लगे सीसीटीवी कैमरे की जाँच हुई तो मामले को खुलासा तुरंत हो जाएगा। वहीं पत्रकार के कैमरा, डिजिटल वॉच, 3 मोबाइल फोन व अन्य सामान भी छीन लिया गया। मामले को लेकर पीड़ित पत्रकार ने सदर थाना में डीएसपी के विरुद्ध मारपीट को लेकर आवेदन दिया, जहां सदर थाना प्रभारी लव कुमार की भूमिका संदिग्ध नजर आया। आरोपी डीएसपी पर प्राथमिकी दर्ज कराने के बजाय घायल पत्रकार से उल्टे धमकी देकर बॉन्ड भरवा लिया गया, जो बिल्कुल गलत है। पूर्व से ही विवादों में घिरा है डीएसपी मुख्यालय केदार राम का कार्यकाल। पूर्व में होमगार्ड बहाली में भी आवेदकों से पैसे लेने का लगा है दर्जनों आरोप। मामलों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्रकार संघ देगा धरना। पीएमओ और पीटीआई से भी की जाएगी इस मामले की शिकायत। यदि उसके बाद भी किसी तरह के उक्त लोगों की कार्रवाई नहीं की गई तो डीएसपी के विरुद्ध आमरण अनशन पर होंगे पत्रकार। क्या हुआ था आपके साथ कल घटना? देखिए, मामला मेरे साथ यही हुआ कि कल हम डीएसपी ऑफिस से खबर कवरेज को लेकर गए थे, ठीक है। इसी बीच डीएसपी साहब हमें परमिशन दिए तो हम तभी अंदर गए, ठीक है। अंदर जाकर हम बैठे तो एक महिला फोर्स इसी दरमियान बोले साहब को कि सर सो कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी बीच में सुनते ही मेरे ऊपर टूट पड़े और मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिए। हम लाख कोशिश किए कि सर हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप मेरे साथ मेरा फ़ोन चेक कर सकते, लेकिन मेरे एक भी बात कोई नहीं सुना। और मारते मारते डीएसपी साहब उनको बाहर ले आए। इसी दरमियान में उसका जितना भी बॉडीगार्ड था वो भी मेरे साथ मारपीट किया। हम बोलते रहे कि सर हम कोई आतंकवादी नहीं, सर आप मेरा फ़ोन चेक कर सकते, लेकिन मेरा कोई भी बात नहीं सुना। इसके साथ मेरे इसी दरमियान मेरे साथ बॉन्ड भी एक भरवाया गया कि जो बोला गया कि आप इसमें लिखिए कि पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। और इसके साथ मेरा डिजिटल वॉच और 3 फोन और मेरे साथ जितना अन्य सामान था सब छीन लिया गया पुलिस द्वारा। ये सारी वारदात वहाँ के कार्यालय के बाहर का सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इस मामले के हम जांच कराने का मांग करते हैं। हम बिल्कुल निर्दोष हैं। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि मेरा इज्जत का सवाल है।